दोस्तों, सच्चे दिल से माता वैष्णो के लिए एक लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। स्माइल फैमिलीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस नवरात्र में मैं आप लोगों को वैष्णो माँ जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने इस स्माइल फैमिलीज चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है, तो इस पावन पर्व में वैष्णो माँ के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है वैष्णो माँ की आकृति वाला सिक्का तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो माँ के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारत वर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज इस स्माइल फैमिलीज चैनल के माध्यम से बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी की, अगर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं, छवि छपी है, या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं, तो उसका प्रयोग भी इस नवरात्रि के दौरान आप अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को स्माइल फैमिलीज की ओर से नवरात्रि में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्र में देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी नौकन्या के रूप बन करके आती हैं। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए, अगर एक घंटा नवरात्रि में अगर माँ का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों, माता जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि का जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको रंग से राजा बनाएंगे, आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है, अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, स्माइल फैमिलीज एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए इस प्रकार के फिर ज्ञान भरी अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। दोस्तों, एक खास बात की इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। हर साल के नवरात्रि 9 दिनों के नहीं होते, कई बार की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई बार की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। लेकिन एक खास बात, इस वर्ष के नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 स्वरूप बनकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आ चुकी हैं। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा बनाकर के अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है, जैसे कि धन ऐश्वर्य सुख शांति माता सब कुछ निछावर कर देती है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ,
स्माइल फैमिलीज हमारा चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं जिन्हें पूरा टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों इस पर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात दोस्तों बिना शक्ति पाठ किए हुए कोई भी आप चीजों को लेते हैं वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन ऐश्वर्य सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, स्माइल फैमिलीज चैनल में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होती है, उसी प्रकार ये वैष्णो माँ जी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में है। ये अभी बहुत कुछ वर्ष पूर्व बहुत चले हैं, तो अगर आपके पास में है लेकिन अगर आप इसको जगा करके नहीं रखे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। लेकिन आज की इस वीडियो में इसको मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो आप वैष्णो माँ जी के इस सिक्के को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपनी तरक्की करा सकते हैं। ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी प्रकार की क्रिया से जागृत नहीं होगा, केवल नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएगा। दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने के तीन तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णो माँ जी का सिक्का नहीं है तो परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं है कोई बात नहीं, अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में है जिसमें देवी देवता अंकित हो छपे हो तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। यह सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, सिक्का जो नवरात्रि में जागृत होता है तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती हैं, सभी वस्तुओं में प्राण आ जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं यह सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने का आसान तरीका तीन तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है ये वीडियो कोई फॉल्स नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना, और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो महंगे आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की अगर बात करें तो आपकी इतनी कही जाए, तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए, तो वैष्णो माँ जी का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देना है, अगर आपको पता नहीं है ये उपाय तो आप नवरात्रि के बीच में भी यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, बिना मंत्र के बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर आप जो है इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण में कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब ये चमत्कारिक सिक्का, ये प्रथम तरीके से आप जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनिए, तो इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग है। इस सिक्के को तुलसी की जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, यह सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी की जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय नव दुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचरी शक्तियां हैं, सहचरी शक्ति है, जैसे कि तुलसी माता को ले लीजिए तो ये सब जागृत अवस्था में होती है, इसलिए ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरा तरीका, आप जो है तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका सुनिए, जिससे अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष की जड़ के नीचे में डाल देना है, ये जागृत हो जाएंगे।
तो वृक्ष कौन सा है? वह है नियम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नव दुर्गा के 9 स्वरूप है। जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ है, सबके जितनी भी देवी शक्ति संसार में, समस्त देवी शक्तियां जो है नियम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नव दुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णो माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्के को आपको रख करके जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना। ऐसे नहीं दबाना, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करनी है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता नव दुर्गा का वास होता है। तो यह प्रार्थना करनी है कि हे नव दुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो है 4 से 5 अंगुल के नीचे नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबा दें, 9 दिनों तक रहता तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देखें तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके लाते हैं, तो ये और ज्यादा प्रभावशील हो जाते हैं। आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले यह उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन सिक्कों को किस प्रकार से प्रयोग करना है वो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि ये सीक्रेट जागृत तो हो गए, लेकिन अगर आप उनके प्रयोग विधि नहीं जानेंगे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका प्रयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप भी चाहते कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर की सभी मनोकामनाओं, सभी सदस्यों की मनोकामना को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाती हैं, आप मानो या ना मानो। तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है। तो आप इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके, आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे माता लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखे हैं, तो इस सिक्के को लॉकेट की भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, महंगे रत्न से भी ज्यादा ये आपको फायदा देगा। मित्र के भांति हर कदम ये आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज है। जागृत चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। दोस्तों, आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा होता है ये जो बोल सकते हैं। जागृति चीज व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होती है। दूसरा, दुकान। कारोबार स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहां पर सिक्का रखते हैं कारोबारी स्थान में, अगर इस सिक्के को अन्य, जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं, तो ये सिद्ध हो जाते हैं, ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों, ये जो सिक्का क्या करते हैं, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करते हैं, क्योंकि ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस प्रकार चुंबक है ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इस प्रकार अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो ये जितने भी ग्राहक है उन्हें आकर्षित करते हैं, और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते, तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म उन्नत होती है। तो इसके बाद इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक ये सिक्का आपके पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, उस स्थान पर फ्रेम बनवा करके अगर घर में ये सिक्के रखे जाएं, जहां पर सभी लोग, जैसे कि हॉल है तो हॉल में घर के सभी लोग बैठते हैं, जैसे कि लिविंग रूम है तो ऐसे स्थान में फ्रेम बनवा करके ये सिक्के रखे जाएं, तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा, सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसी चमकेगी। जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हां, एक लाइक भी करें।